तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं, उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स को। ये जो टोटल डेज का है, ये आपका है 9 डेज, और आपको एक दिन में कितने 7 आवर्स देने ही देने हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें, अब आपको क्या करना है, इसको बहुत जल्दी से रिवाइज करना है, इसको 9 दिन से भी कम में रिवाइज करना है, जब भी आपका एग्जाम से पहले टाइम बचेगा। र्यूमर से दूर रहो कि पोस्टपोन होंगे या अभी कुछ ये होगा वो होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपका एग्जाम ऑन शेड्यूल लेट है, और अपना उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट आते हैं आपका डे वन पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको बेसिक्स अपने रिवाइज करने हैं, चाहे वो GST हो चाहे वो कस्टम हो, दोनों के बेसिक्स जो आपका पहला चैप्टर है वो आपको स्टडी मैट से करना है, ठीक है। सेकंड जो आपको सेकंड डे पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये मैंने दोनों की वीडियो बना रखी है। नोट्स को मैं अब उस टाइम पे काफी बच्चों ने बोला भैया साथ साथ नोट्स हम नहीं बना पाए हैं, तो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा वो नोट्स, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा अपने। थर्ड जो आपका चैप्टर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ईबे बिल। प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, और अभी ना ही मैं कर पाऊंगा इस टाइम। आप लोग अपने प्लेस ऑफ सप्लाई को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ा है उसके हिसाब से आप अपना पढ़ लेना। एंड ईबे बिल अपना छोटा सा है, ये तो आपको यूं ही निकल जाएगा, आपको इसके बेसिक्स पता होना चाहिए, कब इशू होता है ईबे बिल, कितना टाइम पीरियड होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या चीजें होती हैं, कौन फॉर्म फिल करता है, कौन उसको रिसीविंग, मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो डे फोर होगा, डे फोर में आपको ITC और रिटर्न्स, ये दोनों करना। ITC में ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। रिटर्न्स आपको ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हैं वो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, ये जो रिटर्न्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा करना, एग्जाम में यहाँ से ज्यादा पूछा जा सकता है। बाकी रिटर्न्स भी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन डीलर की जो है वो चीजें आप देख लोगे, वो कौन सी रिटर्न्स करता है इशू, कौन सी नहीं करता है, मतलब ये सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट डीलर और उसमें सर्विस वाला भी आया है, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। जो अमेंडमेंट्स आई हैं आप अमेंडमेंट्स करना, क्योंकि अमेंडमेंट से पेपर बार बार पूछा जाता है इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर आप अमेंडमेंट नहीं करके जाओगे तो आप पेपर में कुछ चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट से भी एग्जाम लेता ही लेता है। फिफ्थ डे पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, ये भी मैं आपको वीडियो शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसके नोट्स आप लोग वीडियो के साथ ही बना सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। साथ में आपको इनवॉइस करना है अंडर GST, अगर आप इनवॉइसेस करते हो अंडर GST, तो इसके अंदर जो आपके ज्यादातर बिल ऑफ सप्लाई है और टैक्स इनवॉइस, इसका कब इशू होता है, किस सप्लाई के केस में, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में कब इशू होगा, ठीक है। और अगर पूरा लॉट में हो रहा है तो क्या, मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरह से कब कौन सा इनवॉइस इशू होता है। नेक्स्ट आते हैं डे 6 के अंदर लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन आप इसको कर लोगे, ये इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, और इसके साथ में जो भी रिमेनिंग बच गया आपको वो खत्म करना है। एग्जेम्पशंस वगैरह आपको सब यही करना है, रिवर्स चार्ज वगैरह, क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं। और एग्जेम्पशन आपको कैसे करनी है मैंने आपको पहले बता रखा है, रिवर्स चार्ज एंड एग्जेम्पशन, ये आपको दो चीजें ऐसे करनी है कि जैसे आप स्कैनर उठाया उसमें से आपने क्या किया, जो एग्जाम में बार बार आ रही है सबसे पहले उसको खत्म करो, या फिर जो एग्जेम्पशन इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछ रखी है आप उसको खत्म कर दो, जो बाकी की रिमेनिंग बच जाएंगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको टाइम बचे तो कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जब आप कह रहे हो कि अभी मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप सबसे पहले उन एग्जेम्पशंस को कर लेना जो आपका वहां पे एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट के जितने भी GST जब से आया है जब से लेके अब तक के पेपर देख लेना, कौन कौन सी एग्जेम्पशन आई है, आपको पता चल जाएगा, उससे बेसिक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डे नंबर 7 पे। डे नंबर 7 आपका कस्टम्स, यहाँ पे कस्टम शुरू हो जाएगा। अब आपका कस्टम 2-3 दिन चलेगा। कस्टम मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं लिखा है, क्योंकि कस्टम आपको मैंने शुरू से ही बोल रखा है स्कैनर से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां से अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे एंड अच्छे से आप मार्क्स उसमें गेन कर पाओगे। आपका डे 8 पे भी कस्टम चलेगा, एंड डे 9 पे आपका रिमेनिंग कुछ बच गया है कस्टम और GST का, तो वो चलेगा। जिन बच्चों ने पहले से चीजें कर रखी है प्रिपेयर, उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, उनको 9 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि GST और कस्टम सच में बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, देखने में लगता है बट ऐसा नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई 5-5 मिनट में, तो मैंने रिवाइज करा रखा है YouTube के ऊपर, तो 10 मिनट के ही रिवीजन के चैप्टर है, उसको मैंने पूरा दिन दिया है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है उसके साथ में एग्जेम्पशन कर लिया। इस तरह से आप अपने आप अच्छे से बना के देन रिवाइज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज होने चाहिए, एक भी चैप्टर मत छोड़ना, रीजन बिंग आपके MCQ भी होंगे, फिलअप भी होंगे, एंड जो आपका वन वर्ड है वो भी होंगे। फिलअप आपका वो उसमें MCQ में पूछ सकता है, तो ऐसा मत सोचना कि आप फिलअप छोड़ दोगे, इस बार फिलअप नहीं आ रहे, ये सब आपका वन वर्ड सॉरी जो आपका फिलअप है वो आपका वन वर्ड में पूछा जा सकता है, फिलअप आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, जो ट्रू फॉल्स है वो भी आपका उसमें क्या कहते हैं वन वर्ड वगैरह में पूछा जा सकता है, ये सब चीजें वो हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं उस चीज में, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रू फॉल्स को नहीं पढ़ोगे,
वो थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा, आपको आइडिया अच्छा लग जाएगा, टाइम है तो आप जरूर करिएगा। ठीक है, ये रहा आपका फिलहाल आज इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। अकाउंट्स का आपको कल ही मिल जाएगा, एंड कल आपको और भी चीजों पे क्लैरिटी देनी। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं भैया लाइव आ जाओ, तो मैं कोशिश करूंगा लाइव इंस्टाग्राम पे आने, क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो आप लोग सिर्फ वो करते हो, मैसेज करते हो, उसके थ्रू ही होता है। कोशिश करूंगा मैं इंस्टाग्राम में एक एक को कनेक्ट करके देन आपस में बात करेंगे, वो ज्यादा इंस्टाग्राम में वो ऑप्शन होता है जिसमें कि आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो वहाँ पे लाइव, तो वहां से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भी कब लाइव आना, कल या परसों में हम लाइव देखते हैं। तो जहां तक देखना आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो, जिस दिन लाइव आएंगे वहां पे फिर आपस में बात करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे से और भी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर।